Good afternoon, kids. Good afternoon, kids. How are you all? They are fit, fine, and cheerful. Here is your Ishneet, ma'am. Here is your Jasminder, ma'am. So, kids, are you all ready to start your day with us? Yes. So, let's start our day by worshipping God. So, stand up, everyone. Join your hands. Close your eyes. And start Namokar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Sedhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajayanam, Namo Lohe Sabhe Sahunam, Eso Panch Namo Karo, Sabhe Pav Panhasano, Manglanam Che Savisin, Parama Mahavai Mangalam. Continue with Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwarai. Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Continue with Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvasvaha, Tasavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Okay, now open your eyes, hands down. Are you all feeling relaxed? Yes. So kids, now tell us, what is the date today? Today is 19th March 2021. Today is 19th March 2021. And what is the day today? Today is Friday. Today is Friday. So kids, our topic for today is sky. Today we are going to learn about sky. So ma'am, sky kya hota hai? Sky is everything that lies above the surface of the earth. So kids, sky means asman. So jo bhi hamare earth surface ke upar hota hai, wo kya hota hai? Sky. Okay, so jab hum ghar se bahar jaate hain, when we step outside our home, so hum kya dekhte hain? ऊपर क्या होता है? पूरा स्काई. ओके किड्स, हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर का जितना भी सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्काई. स्काई मींस आसमान. द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू और व्हाइट. सो किड्स, स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू और व्हाइट. सो हम देखते हैं ना, जब हमारे स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, बहुत सारे बादल आ जाते हैं, सो हमारे स्काई का कलर तब क्या हो जाता है? ब्लू और व्हाइट. यस किड्स, जब स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो हमारा स्काई व्हाइट कलर का हो जाता है. और जब बारिश आ जाती है, सारे क्लाउड्स चले जाते हैं, तो हमारा स्काई कौन से कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का. ओके किड्स, स्काई मींस आसमान. During sunrise and sunset, the color of sky is red. So kids, आपने देखा होगा जब sunrise होता है, early morning जब sun उगता है, तब sky का color क्या हो जाता है? Orange and red. और जब शाम हो जाती है, जब sunset हो जाता है, जब sun डूबने लग जाता है, अपने घर जाने लग जाता है, तब भी क्या हो जाता है sky का color? Orange and red. और जब सन चला जाता है अपने घर, तो स्काई का कलर क्या हो जाता है? डार्क. यस, तो हमारा स्काई पूरा डार्क हो जाता है. ओके किड्स, ड्यूरिंग नाइट इट इज डार्क. आपने देखा है ना, जब रात हो जाती है, जब सन चला जाता है, तो हमारी स्काई का कौन सा कलर हो जाता है? डार्क. हमारी स्काई में डार्कनेस आ जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है. यस, स्काई कंसिस्ट ऑफ सन, sun, moon, moon, stars, stars, rainbow, rainbow, and clouds, and clouds. So आपने देखा है ना kids, हमारे sky में क्या क्या होता है? Sun, sun, moon, moon, rainbow, rainbow, stars, stars, and clouds, and clouds. So हमने देखा ये सब क्या होता है? आसमान में. और हम स्काई में क्या करते हैं? हम स्काई में काइट फ्लाई करते हैं. जितने भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, ये भी कहाँ फ्लाई करते हैं? इन द स्काई. यस, स्काई मींस आसमान. इन स्काई का कौन सा कलर होता है? ब्लू और व्हाइट. यस, स्काई का कलर होता है ब्लू और व्हाइट.
सो किड्स, हमारे स्काई में क्या होता है? सन. एंड आपको बताए सन क्या होता है? मैम सन क्या होता है? सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस दैट गिव्स ऑफ ग्रेट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. सो किड्स, सन मींस सूरज. और सन क्या होता है? हॉट बॉल ऑफ गैस. सन बहुत गर्म होता है, एक बिग बॉल होती है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और उसमें बहुत सारी हीट होती है. ओके, और सन की हीट एंड लाइट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. Yes, life on earth depends on the heat and light from the sun. So kids, आपको पता है हमारी life earth पे किसकी वजह से possible है? हम earth पे रह पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? Because of heat sun. And light from the sun. Yes, because of heat and light from the sun. आपको पता है सन हमें लाइट देता है, बहुत सारी रोशनी देता है और बहुत सारी हीट भी देता है. सो जब इतनी गर्मी होती है दिन में, आपने देखा है ना कितनी गर्मी होती है, और हमारे चारों तरफ रोशनी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ सन. यस यस किड्स, It is the closest star to Earth. So kids, आपको पता है Sun is a star. Sun एक star है और ये star कहाँ है? हमारी Earth के बहुत close है, हमारी Earth के बहुत पास में है. So Sun हमारी Earth के इतना पास में है कि हमें easily उसकी heat और light मिल जाती है. होता है ना, हमें दिन में गर्मी भी लगती है और चारों तरफ रोशनी भी होती है. ये सब किसकी वजह से होता है? Because of sun. इंसान हमारे पास में है इसलिए हमें वो दिखाई भी देता है, हमें उसकी हीट भी मिलती है, हमें उसकी लाइट भी मिलती है. Its color is yellow. Yes, kids. And sun का color क्या होता है? Yellow. Yes. So sun means सूरज. And sun gives us heat and light. Okay, kids. So हम sky में sun देखते हैं. हम और क्या देखते हैं sky में? Moon. Yes. हम sky में moon देखते हैं. Yes. So mom, moon क्या होता है? It is a large, round, and natural object that revolves around the Earth. So kids, moon क्या होता है? चंदा. तो जब रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, सो सन की जगह स्काई में क्या आ जाता है? मून. यस, सन की जगह स्काई में मून आ जाता है. और मून कैसा होता है? लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट होता है. आपने देखा है ना मून कैसा होता है? चंदा. लार्ज होता है ना वो, राउंड राउंड होता है. और वो कहाँ घूमता है? हमारी अर्थ की चारों तरफ घूमता है. ओके किड्स, यस, मून शाइंस एट नाइट बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन. सो किड्स, मून कब शाइन करता है? मून शाइंस एट नाइट. मून रात को शाइन करता है. एंड किड्स, आपको पता है मून की तो अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो जब डे में सन आता है तो नाइट में मून आता है. तो मून कहाँ आता है? सन के बिल्कुल आगे आ जाता है. तो जितनी भी सन की लाइट होती है वो रात को मून को मिल जाती है. लेकिन आपको पता है ना किड्स, सन की तो बहुत ज्यादा लाइट होती है लेकिन मून की तो नहीं होती. इसलिए रात को हमारे चारों तरफ क्या होती है? डार्कनेस. बहुत सारा अंधेरा हो जाता है. ओके किड्स, यस. एंड किड्स, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. मून कैसी सैटेलाइट है? नेचुरल. एंड मून इज वेरी राउंड इन शेप, लेकिन इसकी शेप चेंज होते रहते हैं. आपने देखा है ना मून के शेप और फेसेस चेंज होते रहते हैं. ऑलराइट किड्स, सो स्काई में सन होता है, मून होता है, और क्या होता है स्काई में? स्टार्स. यस, स्काई में क्या होते हैं? बहुत सारे स्टार्स. स्टार्स मींस तारे. और स्टार्स कब आते हैं स्काई में? नाइट में. यस, दे शाइन एट नाइट. वेरी गुड किड्स, सो स्काई में रात को क्या आ जाते हैं? स्टार्स. So stars are hot ball of gases. And kids, star क्या होते हैं? Star भी hot ball of gases होते हैं. वो भी एक ball होती है जिसमें बहुत सारी gases होती हैं. Okay kids? Yes, stars shine at night. And stars कब shine करते हैं? वो कब चमकते हैं? रात में. Yes, they give out heat and light. And kids, you know, stars भी हमें क्या देते हैं? Heat and light. लेकिन kids, sun एक ऐसा star है जो earth के बहुत पास में है, इसलिए हमें उसकी heat भी मिल जाती है और उसकी light भी.
हमें मिल जाती है और हमें वो क्लियरली दिखाई भी देता है। लेकिन जो स्टार्स होते हैं ना वो हमारी अर्थ के बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें दूर से बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना, और हमें उनकी हीट भी नहीं मिलती और उनकी लाइट भी नहीं मिलती। ओके किड्स, यस, सन इज ऑल्सो अ स्टार। So, सन भी क्या है, स्टार है, लेकिन वो अर्थ के पास में है। और जितने भी नाइट में स्टार्स आते हैं ना छोटे छोटे, वो अर्थ के दूर होते हैं, इसलिए वो हमें दूर से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऑलराइट किड्स, स्काई में सन होता है, मून, स्टार्स एंड रेनबो। यस, अब क्या होता है स्काई में, रेनबो। So, ma'am, rainbow क्या होता है? Rainbow appears in the sky when it is rainy on one side and sunny on the other. So, kids, rainbow क्या होता है? Rainbow means इंद्रधनुष। And rainbow कब आता है? जब बारिश आ रही होती है और बारिश के आते आते ही sun भी आ जाता है। तो sky में क्या appear होता है? Beautiful सा rainbow। Yes, it forms an arc of 7 colors. So kids, rainbow kya form karta hai? Rainbow ek arc form karta hai of 7 colors. Rainbow ke kitne colors hote hain? 7. And these 7 colors are known as vibgyor. Okay kids, so vibgyor means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, vibgyor, these are the 7 colors of rainbow. All right, yes, rainbow appears when sunlight spreads through raindrops. Okay, rainbow kab aata hai? जब रेन आ रही होती है और उन रेन ड्रॉप्स पे क्या आ जाती है, सन की सनलाइट आ जाती है। तो क्या अपीयर होता है स्काई में, रेनबो। एंड रेनबो इज ऑफ 7 कलर्स, इट फॉर्म्स द आर्क। ओके किड्स, और क्या होता है हमारे स्काई में, क्लाउड्स। यस, मेनी क्लाउड्स। मैम, क्लाउड्स क्या होते हैं? अ क्लाउड इज वाटर वेपर इन द स्काई। Kids, so cloud means बादल। All right, clouds क्या होते हैं? बादल। और clouds किससे बनते हैं? Water vapor से। Kids, आपने देखा है ना clouds कैसे बनते हैं? Water vapor से। So kids, water vapor आपने देखा होगा cloud में कितना सारा पानी होता है, और जब बारिश आ जाती है तो cloud कैसा feel करते हैं? बिल्कुल light। Yes, water on the earth turns into an invisible gas and rises up into the sky. So, जो भी हमारी अर्थ में वॉटर होता है ना, वो इवेपोरेट होके वॉटर वेपर बन के कहाँ चला जाता है? इन द स्काई। यस, वो स्काई में चला जाता है, और वो सारा वॉटर वेपर और वॉटर कौन अब्सॉर्ब करते हैं? क्लाउड्स। और क्लाउड्स में वो सारा वॉटर लेके कैसा फील करते हैं? बहुत हैवी हैवी। फिर क्या आ जाती है जोर से? बारिश। यस, और जब बारिश आ जाती है तो फिर क्लाउड्स को कैसा लगता है? बहुत लाइट लाइट। उनको बहुत अच्छा लगता है, फिर वो बिल्कुल लाइट लाइट फील करते हैं और वो स्काई से चले जाते हैं। ओके, और फिर हमारा स्काई क्लीन एंड ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, और जब स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं तो हमारा स्काई कैसा दिखता है? व्हाइट। ओके किड्स, वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। So kids, हमें दिखा स्काई में हमें क्या क्या दिखता है? सन, सन, मून, मून, क्लाउड्स, क्लाउड्स, रेनबो, रेनबो, एंड स्टार्स, एंड स्टार्स। किड्स, और हम क्या देखते हैं स्काई में? हम स्काई में देखते हैं कि बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही होती हैं, आपने देखा है ना? यस। हम ये भी देखते हैं मां कि स्काई में तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट्स भी चल रहे होते हैं। यस, और हम काइट भी कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्काई में। ऑलराइट किड्स, हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर का जितना भी एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? स्काई। स्काई मींस आसमान। Alright kids, so we have learned about sky and now we are going to learn about the concept of day and night. So ma'am, day kya hota hai? Day means din. Yes, day means din. And kids, din kab hota hai? Jab sky mein kya aa jata hai? Sun. Yes, jab sky mein sun aa jata hai, to kya ho jate hai? Day ho jata hai.
All right, kids. So, जब sky में sun आता है तो क्या हो जाता है? Day. And sun की हमें पूरे दिन फिर क्या मिलती है? Heat and light. So, आपने देखा है ना कि sun की रोशनी जब आती है, जब day हो जाता है, तो हम अपनी सारी daily life की activities perform करते हैं. हम सुबह उठते हैं, brush करते हैं, shower लेते हैं, फिर school जाते हैं, मम्मा पापा अपना work करते हैं. So, ये सारा काम हम कब करते हैं? Sun की light में. Means, हमें सारा काम डे में करते हैं, दिन में करते हैं. ओके किड्स, हमें दिन में आराम से सारी चीजें दिखाई देती है ना, क्योंकि सन की रोशनी बहुत अच्छी होती है. ओके, और हमें सन की रोशनी में दिन में सब कुछ दिखाई देता है. ऑलराइट किड्स, और डे में हम और क्या देखते हैं? स्काई में क्या आते हैं? क्लाउड्स. यस, स्काई में क्लाउड्स आते हैं. हम दिन में देखते हैं कि स्काई में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट्स चल रहे होते हैं, और बहुत सारी बर्ड्स भी फ्लाई कर रही होती हैं. और हम डे में ब्रेकफास्ट भी करते हैं और लंच भी करते हैं. हम करते हैं ना किड्स? ऑलराइट, सो डे क्या होता है? जब स्काई में सन आ जाता है. ऑलराइट, सो किड्स, और क्या होते हैं डे में? हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, एंड रॉकेट्स भी जाते हैं. ऑलराइट, सो किड्स, दिस इज द व्यू ऑफ अ डे. एंड हम नाइट में क्या देखते हैं? नाइट में कौन आता है स्काई में सन की जगह? मून. यस, मून एंड स्टार्स. सो किड्स, जब नाइट होती है तो स्काई में क्या आ जाते हैं? मून एंड स्टार्स. सो सन की जगह नाइट में क्या आते हैं? मून एंड स्टार्स. वेरी गुड. सो किड्स, रात को क्या होता है? मून की तो अपनी लाइट नहीं होती है, तो चारों तरफ क्या हो जाती है? डार्कनेस, अंधेरा हो जाता है ना. और रात को हम क्या करते हैं? रात को हम स्लीप करते हैं और रेस्ट करते हैं. हम डे में अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हम रात को रेस्ट करते हैं और सो जाते हैं. ओके किड्स, लेकिन रात को मून की लाइट नहीं होती ना, चारों तरफ डार्कनेस होती है ना, तो फिर हमें अपने घर में क्या ऑन करनी पड़ जाती है? ट्यूब लाइट. यस, हमें आर्टिफिशियल लाइट्स की नीड होती है. सो हम अपने घर में ट्यूब लाइट ऑन करते हैं, लाइट्स चलाते हैं, फिर मम्मा डिनर बनाती हैं, हम अपना होमवर्क करते हैं, हम रात को डिनर करते हैं. सो ये सारे काम हम कब करते हैं? नाइट में. तो नाइट में स्काई में कौन आता है? मून एंड स्टार्स. ओके किड्स, सो हम तो रात को सोते हैं ना, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स तो रात को रेस्ट करते हैं, सोते हैं, लेकिन कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स रात को रेस्ट नहीं करते हैं. वो रात को जागते हैं और वो डे में रेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आउल एंड बैट. आउल एंड बैट क्या करते हैं? वो रात को जागते हैं और डे में सोते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं? हम डे में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और रात को सो जाते हैं. यस, हम रात को रेस्ट करते हैं. सो किड्स, डे कब होता है? जब स्काई में सन आ जाता है. जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं, एरोप्लेन्स जा रहे होते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर रही होती हैं, हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं, तो हमें इजीली सन की लाइट और हीट मिलती है. ओके, लेकिन नाइट कब होती है? जब स्काई में मून और स्टार्स आ जाते हैं, जब हमें सन की लाइट, हीट एंड लाइट नहीं मिलती, और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स रात को नहीं सोते. फॉर एग्जाम्पल, आउल एंड बैट. ऑलराइट किड्स, सो आप सबको समझ में आया कि डे कैसे होता है और नाइट कैसे होती है? यस. सो किड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ राइम. ओके किड्स, बिफोर दैट मैम आपको बताएंगी कि रेनबो क्या होता है. ओके, सो मम्मी मैम ने आपको बताया था ना, रेनबो इज एन आर्क शेप. इसके 7 कलर्स होते हैं, नोन एज विंक्योर. सी, दिस इज अ रेनबो. और इसके कितने कलर्स होते हैं? 7. और हम इन 7 कलर्स को कैसे याद रखेंगे? विद द नेम ऑफ विंक्योर. सो विंक्योर मींस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अ रेनबो हैज 7 कलर्स, नोन एज विंक्योर. All right, kids. And now we are going to do a rhyme. So are you all ready, kids? Yes. All have to sing with us. Yes.
A sun shines on us by day, so we can grow in every way. Plants, animals and birdies too need the sun as me and you. A moon shines bright with a silvery light. Oh, don't you think it's a very pretty sight? Okay, now let us say it once again. Yes. A sun shines on us by day, so we can grow in every way. Plants, animals and birdies too need the sun as me and you. A moon shines bright with a silvery light. Oh, don't you think it's a very pretty sight? Yay! So kids, हमने श्राइन में देखा ना कि डे में क्या होता है, सन शाइन करता है और सन की लाइट की वजह से हम ग्रो कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है. लेकिन नाइट में क्या होता है, मून आ जाता है और मून शाइन करता है और फिर वो ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल लगती है हमें नाइट जब स्काई में ब्यूटीफुल शाइनी स्टार्स आ जाते हैं. So kids, now we are going to do an activity. और इस activity में हम क्या learn करेंगे? We are going to learn the colors of rainbow. All right, kids. So ma'am ने आपको ये sheet prepare करने के लिए कहा था ना? So you all have the sheet. Now please show us your sheet on the screen. Very nice, kids. So kids, are you all ready with the material? We require this sheet, colors, cotton and fevicol. So shall we start this activity, kids? So what we are going to do, we are going to fill the colors of our rainbow. Okay, a rainbow has 7 colors known as vibrio. So V stands for violet. Now see, this is the violet color. ओके, सो हम अपने रेनबो की जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, सबसे नीचे जो लास्ट लेयर है, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? वायलेट कलर. ओके, नाउ स्टार्ट डूइंग इट. सब मैम के साथ करेंगे, बहुत अच्छे से, ब्यूटीफुली, और कोई भी बाहर नहीं निकालेगा, सबको बाउंड्री के अंदर कलर करना है. ओके किड्स, okay kids, you all are grown up, right? You all are grown up kids, so you have to do beautiful coloring. Okay, hame boundary se bahar nahi nikalna hai. So kids, what we are doing, we are coloring the rainbow. Okay, so there are 7 colors in the rainbow. Aur hum un 7 colors ko kaise learn karenge? With the name of vibrio. vibrio ki spelling kya hoti hai kids? vibrio. vibrio. okay, so V stands for violet, so humne violet color complete kiya. Very good. Now V after I, and I stands for indigo. Okay, now see, this is an indigo color. So ab hum violet ki just upar wali layer mein kaun sa color karenge? Indigo. Okay, now do it. Sab bahut acche se beautifully coloring karenge kids. Aapko boundary ke bahar nahi nikalna hai. ओके किड्स, सो वायलेट के बाद कौन सा कलर आता है? इंडिगो. वी आई बी जी वाई ओ आर विबग्योर. ओके किड्स, विबग्योर मींस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो दीज आर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो. सो अभी हम कौन सा कलर कर रहे हैं? इंडिगो. ओके, सब मैम के साथ कर रहे हैं ना बहुत ब्यूटीफुली और अच्छे से. वेरी नाइस किड्स. सो किड्स, इंडिगो के बाद कौन सा कलर आता है? वायलेट, इंडिगो. नाउ नेक्स्ट इज ब्लू. नाउ वी आर गोइंग टू फिल ब्लू कलर. सी, दिस इज ब्लू कलर. अब हम इंडिगो के जस्ट ऊपर वाली लेयर में कौन सा कलर फिल करेंगे? ब्लू कलर. ओके, नाउ डू इट. ये सब बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली कलरिंग करेंगे किड्स, आपको बाउंड्री के बाहर नहीं निकालना. वेरी नाइस किड्स, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने रेनबो को कलर कर रहे हैं. ओके, अ रेनबो हैज 7 कलर्स नोन एज वेब ग्योर.
केस हम उन सेवन कलर्स को कैसे लर्न करेंगे? विपक्योर की स्पेलिंग से. ओके, एंड विपक्योर की क्या स्पेलिंग होती है? VIBGYOR विपक्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और हमने कौन से कलर कर लिए? We have done violet, indigo, blue. Now next is green color. G stands for green color. See, this is green color. अब हम blue के ऊपर वाली layer में कौन सा color fill करेंगे? Green color. Okay kids, now do it. Now do it everyone. और हम बहुत ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से कलरिंग करेंगे. ओके किड्स, वेरी नाइस, सब मैम के साथ कर रहे हैं ना अच्छे से. वेरी गुड किड्स, यस, इज एवरीबॉडी डूइंग? वेरी नाइस किड्स. सो रेनबो स्काई में कब अपीयर होता है? जब बारिश आ रही होती है और फिर क्या आ जाता है एकदम से स्काई में? सन भी आ जाता है. तो क्या अपीयर होता है? ब्यूटीफुल कलरफुल रेनबो. एंड रेनबो हैज सेवन कलर्स. सो हमने कौन कौन से कलर्स फिल कर लिए अपने रेनबो में? फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन. नाउ ग्रीन आफ्टर येलो. Y stands for yellow. Okay, now we are going to fill yellow color. और हम येलो कलर कहाँ फिल करेंगे? ग्रीन के जस्ट ऊपर वाली लेयर पे. Okay kids, now start doing it. Yes everyone, बहुत अच्छे से करना है हमें. बहुत slowly slowly, very nicely हम करेंगे येलो कलर. Yes kids, हमें येलो कलर फिल करना है. So kids, a rainbow has seven colors known as vibgyor. VIBGYOR vibgyor. Okay, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. All right kids, so humne violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. All right kids, so हमने येलो तक कलर्स फिल कर लिए ना. अब येलो आफ्टर, O for orange. See, this is a orange color. Now we are going to fill it. हम ऑरेंज कलर कहाँ करेंगे? येलो वाले के जस्ट ऊपर वाली लेयर में. Okay kids, now fill it. So बहुत beautifully अच्छे से मैम के साथ करेंगे. Yes, is everybody doing? Very nice kids. हमें बाउंड्री से बाहर नहीं निकालना है. Very good kids. सबको मजा आ रहा है ना इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में हम क्या लर्न कर रहे हैं? The colors of rainbow. और हमें रेनबो के कलर्स को कैसे लर्न करना है? With the spelling of vibgyor. Okay kids. So हमने ऑरेंज कलर फिल किया. Very nice. Now orange after red, stands for red color. Now we are going to fill the red color in our last boundary. Okay, fill it. Yes kids, stands for red color. There are seven colors in the rainbow known as vibgyor. The spelling of vibgyor is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. VIBGYOR vibgyor. So kids, सबने red color fill किया? Yes, हमने अपने rainbow को color कर दिया ना seven colors में. Very nice kids. अब सबके rainbow के नीचे hands पे क्या बने हुए? Two clouds. अब इन clouds पे हम क्या paste करेंगे? Cotton. So put some Favicol on one cloud. Yes kids, put some Favicol. Very good. Now take some cotton and paste it. बहुत अच्छे से स्प्रेड करके हमें कॉटन को पेस्ट करना है. ओके किड्स,
All right, kids. Now again, put some Favicol on the next cloud. Very nice. Now take some cotton, spread it, paste it. सब कर रहे हैं ना मैम के साथ. Very nice kids. See, a beautiful rainbow is now ready. It is completed. So सबने मैम के साथ किया ना kids? Okay, now show us on the screen. See, our rainbow is now ready. Yes, everyone, please show us your rainbow on the screen. Oh, wow, very good kids. सबको मजा आया ना इस एक्टिविटी में? Very good. So हमने इस एक्टिविटी से रेनबो के कलर्स लर्न किए. And now we are going to do another interesting activity. So are you all ready kids? See kids, you all have the sheet. सबके पास ये वाली sheet है. Take out your sheet. Please show us on the screen. So kids, हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना नीचे, और हर ऑब्जेक्ट के आगे नंबर्स गिवन है. ओके, सो जो ऑब्जेक्ट्स हम डे में देखते हैं, हमें उनके नंबर्स को डे वाले सर्कल में राइट डाउन करना है. जो ऑब्जेक्ट्स हम नाइट में देखते हैं, हमें उन ऑब्जेक्ट्स के नंबर को नाइट वाले सर्कल में राइट डाउन करना है. एंड जो ऑब्जेक्ट्स हम डे और नाइट दोनों में देखते हैं, हमें उनके नंबर्स को दोनों सर्कल के सेंटर में, जहां पे दोनों सर्कल क्रॉस कर रहे हैं ना, वहां पे राइट डाउन करना है. ऑल राइट किड्स, नाउ सी द फर्स्ट पिक्चर इज आउल. ओके, आउल हमें कब दिखता है मैम को कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड. आउल हमें डे में दिखता है या नाइट में दिखता है? तान्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, नाइट. नाइट, वेरी गुड तान्या. सो आउल हमें नाइट में दिखता है ना. आउल के आगे कौन सा नंबर है? नंबर वन. सो हम नंबर वन कहाँ राइट डाउन करेंगे? नाइट वाले सर्कल में. ओके, जो ब्लू कलर का सर्कल है ना, जहां पे नाइट लिखा हुआ है, वहां पे हम क्या राइट डाउन करेंगे? नंबर वन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. हेन. एंड किड्स, हमें हेन कब दिखती है? डे में या नाइट में? हु इज गोइंग टू आंसर? रेज योर हैंड. अग्रिमा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, डे. वेरी गुड. सो बेटा, हेन के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नंबर टू. सो हम नंबर टू कहाँ राइट डाउन करेंगे? डे वाले सर्कल में. ओके, सो राइट डाउन नंबर टू. वेरी नाइस. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज स्टार्स. सो किड्स, हमें स्टार्स कब दिखते हैं? डे में या नाइट में? नाइट में. ओके, सो स्टार्स के आगे कौन सा नंबर है? नंबर थ्री. सो हम नंबर थ्री राइट डाउन करेंगे नाइट वाले सर्कल में. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सन. एंड सन हमें कब दिखता है? डे और नाइट? हु इज गोइंग टू आंसर? रेज योर हैंड. पूर्विका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. सन कब दिखता है? मैम, नाइट में. बेटा सन कब? नाइट में. सन बेटा, सन कब दिखता है? मॉर्निंग में. वेरी गुड. सन हमें डे में दिखता है. ओके, सो सन के आगे कौन सा नंबर है? नंबर फोर. सो हम नंबर फोर राइट डाउन करेंगे डे वाले सर्कल में. ओके किड्स, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ मून. एंड मून हमें कब दिखता है? इन द नाइट. सो मून के आगे कौन सा नंबर है? नंबर फाइव. सो हम फाइव नंबर राइट डाउन करेंगे नाइट वाले सर्कल में. ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेनबो. एंड रेनबो हमें कब दिखता है? यस, हु इज गोइंग टू आंसर? प्लीज रेज योर हैंड. अमनप्रीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. फिर भेड़िया फारा दे साइकिल चला रहे थे.
ये समनप्रीत रेनबो कब दिखता है बेटा आपको, डे और नाइट? डे में। वेरी गुड। सो रेनबो के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नंबर सिक्स। सो हम नंबर सिक्स राइट डाउन करेंगे डे वाले सर्कल में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ बैट, एंड बैट हमें कब दिखता है? इन द नाइट। सो बैट के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नंबर सेवन। सो नंबर सेवन हम राइट डाउन करेंगे नाइट वाले सर्कल में। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रैट, एंड रैट हमें कब दिखता है? डे और नाइट दोनों में। सो रैट का आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नंबर एट। सो हम रैट नंबर एट हम कहाँ राइट डाउन करेंगे? दोनों सर्कल्स के सेंटर में। ओके, जहाँ पे दोनों सर्कल क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, वहां पे राइट डाउन करेंगे नंबर एट। ओके किड्स, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ डॉग, डॉग, एंड डॉग भी हमें डे में भी दिखता है और नाइट में भी दिखता है। सो डॉग के आगे कौन सा नंबर है? नंबर नाइन। सो नंबर नाइन भी हम कहाँ राइट डाउन करेंगे? दोनों सर्कल्स के सेंटर में। राइट डाउन नंबर नाइन। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेन। ओके ना, हु इज गोइंग टू आंसर? रेन हमें कब दिखती है, डे और नाइट? सानवी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डे और नाइट दोनों में। वेरी गुड बेटा, रेन के आगे कौन सा नंबर है? नंबर टेन। सो हम नंबर टेन राइट डाउन करेंगे दोनों सर्कल्स के बीच में। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्रो, एंड हमें क्रो कब दिखता है? इन द डे। सो क्रो के आगे कौन सा नंबर है? नंबर 11। सो वी विल राइट नंबर 11 इन द डे सर्कल। डन किड्स, यू ऑल हैव डन दिस एक्टिविटी, वेरी नाइस। So kids, आज हमने क्या क्या लर्न किया? Today we learned about the sky. Sky क्या होता है? Sky means आसमान. And sky is a blue or white color. And sky में क्या क्या होता है? Sun. Sun. Moon. Moon. Clouds. Clouds. Stars. Stars. And rainbow. And rainbow. And kids, हमने और क्या लर्न किया आज? The concept of day and night. So, हमने देखा जब स्काई में सन आ जाता है तो क्या हो जाता है? डे। सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट। और जब स्काई में मून और स्टार्स आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? नाइट। यस, और नाइट में चारों तरफ क्या हो जाती है? डार्कनेस। यस किड्स, और हमने क्या लर्न किया? हमने रेनबो के कलर्स लर्न किए। The rainbow has seven colors known as Vibhyor. The spelling of Vibhyor is V-I-B-G-Y-O-R, Vibhyor. So kids, ये हमारी कौन सी क्लासेस चल रही हैं? ये हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं। और हम अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपको लिंक शेयर किया है, उसे ओपन करके देख सकते हैं या फिर स्कूल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। You can like and subscribe the school YouTube channel for regular updates. Till then, take care, stay safe, bye-bye.